एवरीवन, आज दो न्यूज है मेरे पास जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ. और पहली जो है वो है गुड न्यूज, और जो दूसरी है वो भी गुड न्यूज ही है यार. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम से कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए एक अच्छी खबर ये है कि आप लोगों को अगर सिलेबस नहीं मिल पाता है तो आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, उसका नाम है अनअकैडमी. अब अनअकैडमी अभी क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि अब मैं अनअकैडमी पे हूँ और इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज मैं लाऊंगी, और अगर हो सका तो हिंदी मीडियम के भी लेके आऊंगी. और सबसे अच्छी बात क्या है अनअकैडमी के बारे में, कि आपको सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड मिलेगी वहां पर. जब भी आप कोई टॉपिक अगर पढ़ने जाएंगे, आप यूट्यूब बहुत अच्छा रिसोर्स है अगर आप पढ़ना चाहते तो, यूट्यूब वीडियोज बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब सब्जेक्ट की बात आती है तो आपको स्ट्रक्चर्ड और प्रॉपर चीजें नहीं मिल पाएगी, आपको स्कैटर्ड मटेरियल मिलेगा और वो भी पूरा नहीं मिलेगा. तो ये प्रॉब्लम होती है यूट्यूब के साथ. तो अनअकैडमी वहीं पर उसका एडवांटेज ये है कि आपको सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड मिलेगी, एट द सेम टाइम आप अगर कोई टॉपिक सर्च करते हैं तो उसकी फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्योंकि उसका जो आइडिया है वो यही है कि अगर आप कोर्स बना रहे हैं, जब भी कोई एजुकेटर अनअकैडमी पे पढ़ाता है तो उसको ये कंपल्शन रहता है कि जब वो कोई टॉपिक ले तो उसको एटलीस्ट 5 लेसन्स उस पर डालना पड़ता है. और 5 लेसन्स अगर डाल रहे हैं तो आपको पता होगा कि 5 लेसन्स से ज्यादा क्या ही कोई टॉपिक होगा, ठीक है. 10 से 15 मिनट के अगर 5 लेसन्स हो गए किसी भी टॉपिक पे तो वो मोर देन इनफ है. तो यहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आपको मेंस का सिलेबस भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा. तो आप स्विच नहीं करना, आपको एक ऑप्शन रखना, अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करना है और उसकी हेल्प से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है. और प्री की जहां तक बात रही तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिस पर आपको मिलेगा इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में. हिंदी मीडियम के लिए हालांकि ज्यादा है और इंग्लिश में थोड़ा कम है, बट फिर भी जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो सारा सब कुछ एक साथ आपको चाहिए होता है जब आप कुछ भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो वो एक कमी रह जाती है. तो इसीलिए आप इसको फुलफिल कर सकते हैं थ्रू अनअकैडमी. तो अब मैं अनअकैडमी पे भी हूँ, और इसके अलावा जो अनअकैडमी का प्लस कोर्स है, जो सुना भी होगा बहुत लोगों ने इसके बारे में, तो वो भी आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसकी डिटेल मैं आगे वीडियो में बताऊंगी. अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अनअकैडमी के प्लस कोर्स के बारे में मैं बता रही हूँ, क्या एडवांटेजेस इसके और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर आपको सारे लाइव और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे. देन यहाँ पर जो एजुकेटर्स पढ़ाएंगे वो टॉप एजुकेटर्स होंगे, क्योंकि सबको जो है वो लाइव पढ़ाने के लिए या अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाने के लिए सब एलिजिबल नहीं है. तो यहाँ पर जो एजुकेटर्स हैं वो टॉप एजुकेटर्स ही होंगे, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जिनके फॉलोअर्स ज्यादा है, या आपको पता है कि ज्यादा अच्छा जो पढ़ाते हैं. क्योंकि यहाँ पर जब कोर्स कोई आता है तो वेरीफाइड होकर ही पब्लिश होता है, वेरीफाई होने के बाद ही पब्लिश होता है. यहाँ आपको बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लाइव और स्ट्रक्चर कोर्स मिलेंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी फॉर प्री एज वेल एज मेंस. और दूसरी बात क्या है, एक अच्छी बात और है यहाँ पर, कि वीकली क्विजेस भी होगी और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे. तो यहाँ कंपल्शन हो जाएगा, इट्स काइंड ऑफ कोचिंग ही है, पर ये आपको थ्रू मोबाइल या ऑनलाइन मिलेगी, आपको कहीं फिजिकली प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं. इनफैक्ट ये अच्छी बात है कि आप कभी भी इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, और इसी वजह से ये काइंड ऑफ बेटर है ऑप्शन. अगर आप चाहे तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कि आप एक महीने के लिए ले सकते हैं, 6 महीने के लिए ले सकते हैं, या पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए भी ये सब्सक्रिप्शन है. हालांकि उसमें अगर आप पूरे साल के लिए लेते हैं, 12 मंथ्स के लिए लेते हैं, तो उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा. और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज करें, दैट्स माधुरी नागले 1010. तो ये जो है रेफरल कोड, जब आप ये यूज करेंगे तो आपको इस पे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा. और ये डिस्काउंट मिलने के बाद जो प्राइस है उसका काफी कम हो जाएगा. इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और मैं इसकी आगे डिटेल आपको और बता दूंगी. चलिए आगे देखते हैं हम लोग कौन सी सेकेंड न्यूज है जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे. बात करते हैं सेकेंड न्यूज की. सेकेंड न्यूज है इज अबाउट एमपीपीएससी एज. तो एज को लेकर बहुत टेंशन चल रही थी. क्या हुआ था कि जो एमपी के स्टूडेंट है उनके लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए, उन लोगों के लिए भी 35 इयर्स कर दी गई थी एज, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे थे आफ्टर 35, जिनको ऐसा लग रहा था कि शायद अब हो जाएगा, जिनका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट हो, या फिर जो ऑलमोस्ट तैयार कर चुके थोड़े बहुत मार्क्स से जिनका सिलेक्शन रह जाता हो, या अपने स्विच करना चाहते हो अपनी जॉब को, तो ऐसे बहुत सारे एस्पायरेंट थे. तो उनके लिए प्रॉब्लम हो गई थी कि भैया 35 इयर्स कर दिए, अब
तो जो एलिजिबल पहले थे वो एलिजिबल नहीं रहे। बट रिसेंटली रिसेंटली नहीं, आज ही जो दैनिक भास्कर में एक न्यूज आई है जो बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी, और जो मेरी तरह जो न्यूज़पेपर लवर्स नहीं होंगे, मतलब मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बट फिर मैंने वो न्यूज पढ़ी है, तो उनको मैं बता दूं कि एज लिमिट जो है मोस्ट प्रोबेबली अब हो जाएगी 40 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी एज 35 से ऊपर है तो फिर भी आपको चिंता करने वाली बहुत ज्यादा बात नहीं है। ये बहुत ज्यादा संभावना है कि चेंज हो जाए, और ऑलमोस्ट ये जो है ऑर्डर जा चुका है, और आपको जल्दी ही पता चल जाएगा जो एज लिमिट है वो चेंज होने के बारे में, और 40 ईयर्स हो जाएगी। एंड SC ST के लिए 45 ईयर्स और OBC के लिए 43 ईयर्स। तो ये टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। और अब मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी प्लस जो है उसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें बता देती हूँ, हालांकि मैं आगे भी डिस्क्राइब करूंगी, पर फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे रेफरल कोड से खरीदने पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जब सब्सक्राइब करते हैं आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स, अगर मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं, जो मैं आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी, आपको स्क्रीनशॉट भी उसका मिल जाएगा, अगर उससे परचेस करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इमिडिएटली। तो आप कर सकते हैं चाहे तो। और सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको ऐसा लगता है, डाउट हो रहा है कि ये अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो 1 मंथ सब्सक्रिप्शन भी है, आप किसी के साथ शेयरिंग में ले सकते हैं 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फ्रूटफुल है। क्योंकि बहुत सारे लोग कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं, कोचिंग जाने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है, या फ्रूटफुल नहीं है, या काम नहीं उतना जितना आपने सोचा था वैसा नहीं है। होता है ऐसा, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस, तो मुझे पता है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और अब जरूरी नहीं कि कोचिंग सेंटर्स जो बड़े बड़े नाम हो उसमें जो टीचर्स या फैकल्टीज जो हो वो उतनी ही अच्छी हो, चेंज होते रहते हैं। कभी हो सकता है कि बहुत अच्छे रहे हो, या उन लोगों ने नए लोगों को लिया हो तो उतने अच्छे फैकल्टीज ना हो, ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप वैसे हर चीज को ट्राई देते हैं, आपके करियर से बड़ी कोई चीज नहीं है, तो आप एक बार अकेडमी के प्लस कोर्स को भी ट्राई दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप, मतलब आपके फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो आपको परमिट करती है कि आप 1 मंथ सब्सक्रिप्शन लेकर देखें, या किसी के साथ पार्टनरशिप में लें, तो उसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, लाइव कोर्सेज हैं और क्विजेज हैं, और आपको डाउट सॉल्विंग के सेशंस जो है वो अलग होंगे, बहुत सारी चीजें होगी। तो अगर आपको लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेस्ट, एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि 35 ईयर्स उनकी एज हो चुकी है, तो क्या वो तैयार करे या ना करे। तो आई गेस अब आपको कंटिन्यू रखना चाहिए प्रिपरेशन, क्योंकि अब एज लिमिट जो है वो बढ़ जाने के काफी चांसेस है। हालांकि इस पे वीडियो बहुत पहले भी बहुत बार आ चुकी है, बट आज मैंने न्यूज देखी तो मैंने सोचा कि जो बेचारे बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो उनको थोड़ा पता होना चाहिए। और जिनने पढ़ भी लिए तो बहुत अच्छी बात है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। और ये वीडियो भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार, क्योंकि जब तक 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे मैं लाइव सेशन नहीं कर सकती हूँ। लाइव सेशन और लाइव क्विज के पहले पहले वीडियोज लेकर आती थी, जो अब नहीं ला पा रही हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल तो मेरी भी हेल्प करो यार। अगर मेरी बातों से आपकी हेल्प होती तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके। और यहाँ पर वीडियो खत्म होता है, और काफी लंबा वीडियो हो गया है, बट दो बातें बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया था, होप आप लोग को समझ में आ गई हो, ठीक है। आप चाहे तो अनअकैडमी पे पढ़ सकते हैं, आप एक बार ट्राई दे सकते हैं, ठीक है। अब ये आपकी चॉइस है, आपको कहाँ पर पसंद आती चीज है, बट इन माय ओपिनियन अगर स्टैटिक वाला पोर्शन करना है आपको, तो अनअकैडमी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर GS वाला पोर्शन, मतलब करंट अफेयर्स वाला पोर्शन कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे रिलाय कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए भी अनअकैडमी पे है काफी सारी चीजें, पर यूट्यूब जैसा कि आपको पता है उसमें ज्यादा चीजें अवेलेबल होती है, तो उसके लिए आप जा सकते हैं। बट स्टैटिक के लिए अनअकैडमी बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो भी सब्सक्राइब करना चाहता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताए कि हाँ भाई हमको करना है, ठीक है। और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। ओके बाय।